बुक में आपके कुछ बॉक्सेस दिए हैं, ये जो कलर्स ऑफ बोथ वाला बॉक्स है, ट्राई दिस ऑन योर ओन, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो बाद में। यहाँ पे डू यू नो में देखो क्या दिया, देखते अ सर्वे डन इन 2016 हैज फाउंड दैट अप्रोक्सीमेटली 5,831 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इन ब्राजील हैड ऑलरेडी डिग्रेडेड इन दैट ईयर। तो 2016 में एक सर्वे किया गया था जिससे ये पता चला कि ब्राजील में अराउंड 5,831 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा एरिया, इतना जो फॉरेस्ट था वो डिग्रेड हो गया था। तो ब्राजील में फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन बहुत होता है, तो उसका रीजन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे है ना स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किया जाता है, तो वो क्या होता है वो हम लोग आगे देखने वाले। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारे ट्रीज को, फॉरेस्ट को काट देते हैं। अल्सो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए भी फॉरेस्ट को काटा जाता है कि वहाँ पे घर या फिर कोई शॉप या फिर कुछ अलग चीज़ें बिल्ड की जाए। तो ऐसे रीजंस के वजह से फॉरेस्ट जो है वो ब्राज़ील में बहुत कम होते जा रहा है, अमेजॉन फॉरेस्ट का भी जो एरिया है वो कम होते जा रहा है। तो इसके वजह से ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम लोग को अमेजॉन को डिग्रेड होने नहीं देना, बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट प्रोड्यूस द मोस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वर्ल्ड। हम लोग ने देखा कि उसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं और अराउंड 20% ऑफ ऑक्सीजन वहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम लोग को ब्राज़ील में जो फॉरेस्ट है उसको बचाना है, उसको डिग्रेड होने से बचाना है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्राज़ील का वाइल्ड लाइफ। ओके, ब्राज़ील में कौन कौन से एनिमल कहाँ कहाँ पे मिलते हैं वो हम लोग को देखें। तो पहले देखो, अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ब्राज़ील देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ पंतानल ह्यूज एनाकोंडाज आर फाउंड। जैसे हम लोग ने वेजिटेशन में देखा था कि सबसे ज्यादा प्लांट्स के स्पीशीज कहाँ पे मिलते हैं, ब्राज़ील में। सिमिलरली सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज भी कहाँ पे मिलते हैं, ब्राज़ील में मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखो, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ आपको क्या दिया है कि ब्राज़ील में जो पंतानल का एरिया है, स्वैम्पी एरिया, वहां पे हम लोग को कौन से एनिमल मोस्टली देखने को मिलता है, एनाकोंडास। एनाकोंडा आपने देखा होगा, बड़े बड़े एनिमल होते हैं, बड़े स्नेक की तरह। तो ये एनिमल हम लोग को पंतानल जहाँ पे ब्राज़ील में है वो वेटलैंड के अंदर आपको ये एनिमल देखने को मिलेंगे। ओके, आप उसका और एक पिक्चर देख सकते हो, बहुत बड़े होते हैं ये लेंथ में, इनकी ब्रेड भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। सो दिस इज एनाकोंडा। ओके, नाउ और कौन कौन से एनिमल मिलते हैं ब्राज़ील में? तो इन ब्राज़ील गिनिया पिग्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, मंकीज, प्यूमास, लेपर्ड्स एटसेट्रा आर फाउंड। तो ब्राज़ील में एक स्पीशीज है जिसको गिनिया पिग बोला जाता है, ठीक है। अभी गिनिया जो है ना वो एक कंट्री, अलग से कंट्री है, वो ब्राज़ील में नहीं आती है, लेकिन फिर भी इसको गिनिया पिग बोला जाता है क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो वहां से आता है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में एक वीडियो देखेंगे, ये नाम का ओरिजिन कैसे आया, लेकिन ये पिग नहीं है, ये एक्चुअली एक टाइप ऑफ रैबिट है। अगर आप इमेज देखोगे ये तो आपको दिखेगा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रैबिट, लेकिन इसको गिनिया पिग्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये एनिमल ब्राज़ील में मिलता है। उसके साथ साथ ब्राज़ील में हम लोग को और एक इमेज आप देख सकते हो गिनिया पिग्स का, ठीक है, दीज आर सम इमेजेस। उसके साथ साथ ब्राज़ील में हम लोग को अलग अलग टाइप ऑफ मंकीज दिखते हैं। आपके बुक में भी कुछ पिक्चर्स दिए होंगे एट द फ्रंट पेज या फिर बैक पेज, अगर आपके पास बुक होगी अभी तो आप देख सकते हो, जो सबसे पहला पेज है बुक का और जो सबसे लास्ट वाला पेज है उसमें बहुत सारे एनिमल के स्पीशीज के इमेजेस दिए गए हैं ब्राज़ील और इंडिया में। सो दिस इज अ मंकी, इसको गोल्डन लायन मंकी बोला जाता है। देन देयर आर एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स। अभी एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल्स में डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस होता है? एलिगेटर जो है उसका माउथ ऑब्जर्व करोगे तो यू शेप होता है, यू शेप, ओके। एंड जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनका माउथ जो होता है वो वी शेप होता है, ठीक है। तो ये बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे भी देख सकते हो, क्रोकोडाइल जो है उसका माउथ जो है वो वी शेप होता है, एंड एलिगेटर जो है उसका माउथ जो है वो यू शेप होता है, ठीक है। दोनों सेम फैमिली से स्पीशीज, दोनों सेम फैमिली से लेकिन अलग अलग स्पीशीज है। ओके, तो दीज आर एलिगेटर्स एंड दीज आर क्रोकोडाइल्स। इंडिया में अगर आप देखोगे तो सिर्फ क्रोकोडाइल मिलते हैं, एलिगेटर नहीं मिलते, वो हम लोग इंडिया के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हो, क्रोकोडाइल अगर देखोगे तो थोड़ा ज्यादा भारी होता है, एलिगेटर थोड़ा कम भारी होता है।
इनका मुंह देखोगे तो यहाँ पे फिर से देखा जाएगा वी शेप, यहाँ पे देखोगे तो यू शेप. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल. देन ब्राजील में प्यूमास भी देखे जाते हैं जो इंडिया में नहीं मिलते हम लोग को. प्यूमा एक ब्रांड भी है. वो ब्रांड क्यों है? क्योंकि वो एक स्पीशी का नाम है. स्पीशीज का नाम है प्यूमा. इट इज अ कैट फैमिली, टाइगर से रिलेटेड फैमिली है. तो ये है प्यूमा. फिर लेपर्ड्स, लेपर्ड्स तो आपको पता ही होगा. तो लेपर्ड्स भी ब्राजील में देखने को मिलते हैं. तो ये सब एनिमल्स के नाम आपको याद रखने कि ब्राजील में कौन कौन से एनिमल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं. ओके, तो अभी हम लोग थोड़े फिश देखेंगे, कौन कौन से फिश देखने को मिलते हैं. अमंग द फिश वराइटीज मेनली स्वॉर्ड फिश आर फाउंड इन द सीज, वाइल पिंक डॉल्फिन्स आर पिंक डॉल्फिन्स एंड पिरानास आर फाउंड इन द रिवर्स. तो हम लोग को फिश में, फिश के वराइटीज में हम लोग को ब्राजील में क्या देखने को मिलता है? एक फिश है जिसका नाम है स्वॉर्ड फिश. स्वॉर्ड फिश क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसका जो स्नाउट होता है, स्नाउट ये जो नोज वाला पार्ट होता है, वो एक स्वॉर्ड की तरह होता है, तलवार की तरह होता है. इसके लिए इसको स्वॉर्ड फिश बोला जाता है. तो जो स्वॉर्ड फिश है वो ब्राजील के सी में, मतलब अटलांटिक ओशन के पार्ट में बहुत सारी स्वॉर्ड फिश आपको देखने को मिलेगी. और ब्राजील में जो भी रिवर है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन रिवर, या फिर आप देखोगे टोकेंटिस रिवर, ये सब जो रिवर है, साओ फ्रांसिस्को रिवर, ये सब रिवर्स में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? पिंक डॉल्फिन्स एंड पिरानास. तो अगर आपने कभी देखा होगा इनको, दीज आर कॉल्ड एज पिंक डॉल्फिन्स, पिंक होते हैं कलर में. तो ये अमेजोन रिवर में बहुत ज्यादा मिलता है पिंक डॉल्फिन्स. दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ पिंक डॉल्फिन्स. तो ये पिंक डॉल्फिन्स हम लोग को ब्राजील के रिवर्स में देखने को मिलते हैं. विद देम पिरानास, पिराना भी एक फिश का स्पीशीज है. अभी ऐसे देखने को ये ज्यादा खतरनाक नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये अपना माउथ ओपन करेगा तो ये बहुत खतरनाक दिखेगा. देखो दिस इज पिराना. उनके टीथ जो है वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं. सो दिस आर कॉल्ड एज पिरानास. तो ये ब्राजील में, ब्राजील के रिवर्स में देखने को मिलते हैं पिरानास एंड पिंक डॉल्फिन. ओके, तो ये हो गया फिश. तो हम लोग ने एनिमल्स देख लिया ब्राजील के, हम लोग ने ब्राजील में फिश कौन कौन से मिलते हैं वो देख लिया. अभी ब्राजील में हम लोग बर्ड्स कौन कौन से मिलते हैं वो देखेंगे. ठीक है, कॉन्डर्स विच आर ह्यूज इन साइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, वेरियस टाइप ऑफ पैरट्स, मकाउस एंड फ्लेमिंगोस आर द मेजर बर्ड्स फाउंड हेयर. मिलियंस ऑफ इंसेक्ट वराइटीज आर ऑल्सो फाउंड हेयर. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वराइटीज द वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राजील इज वेरी रिच एंड डाइवर्स. तो यहाँ पे हम लोग को ब्राजील में कौन कौन से बर्ड्स देखने को मिलते हैं. पहला बर्ड आपको दिया है दैट इज कॉन्डर्स. कॉन्डर्स मतलब जो गीधड़ होते हैं, हम लोग मराठी में त्याला गीधड़ बोलते हैं. सो दैट इज कॉन्डर. उनको इंग्लिश में कॉन्डर्स बोला जाता है. ये ब्राजील के हाईलैंड्स पार्ट में बहुत ज्यादा मिलते हैं. ठीक है, तो दीज आर कॉन्डर्स. उसके साथ साथ ब्राजील में हम लोग को देखने को मिलेंगे अलग अलग टाइप ऑफ पैरट्स, पैरट्स के बहुत सारे टाइप्स. उसके साथ साथ मकाव, ये भी एक पैरट का टाइप है लेकिन एक बहुत फेमस टाइप है. उसके साथ साथ हम लोग को देखने को मिलेंगे फ्लेमिंगोस. ठीक है, तो फ्लेमिंगोस देखने को मिलेंगे. ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ बर्ड्स हम लोग को ब्राजील में देखने को मिलेंगे. तो दीज आर कॉन्डर्स. इसका और एक इमेज आप देख सकते हो गीधड़ का. उसके साथ साथ अलग टाइप ऑफ पैरट्स, पैरट्स के बहुत सारे टाइप्स. देखो ये अलग अलग पैरट्स ब्राजील को, ब्राजील में देखने को मिलता है. ये अमेजोन के फॉरेस्ट में या फिर हाईलैंड्स के पास बहुत सारे पैरट्स के स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे. बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ पैरट्स के स्पीशीज ब्राजील में होते हैं. आप उसके कुछ पिक्चर्स देख सकते हो. अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग नाम भी होते हैं, वो नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है. जो इम्पोर्टेंट है स्पीशीज उसको बोला जाता है मकाउस. तो दीज आर मकाउस. देखो मकाउस करके एक पैरट की स्पीशीज होती है, वो भी ब्राजील में मिलते हैं. एंड दीज आर मकाउस. ये ब्लू एंड येल्लो कलर का है. एंड ये जो रेड कलर का, उसको स्कारलेट मकाओ बोला जाता है. तो मकाउस याद रखो जो ब्राजील में मिलते हैं. उसके साथ साथ मैंने क्या बोला था, फ्लेमिंगोस भी मिलते. सो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ मकाउस एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ फ्लेमिंगोस. तो ब्राजील में बहुत सारे पार्ट में आपको फ्लेमिंगोस जो बर्ड है वो भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, दिस इज ऑल्सो पिक्चर ऑफ फ्लेमिंगो. ओके, नाउ लुक हियर. डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज हैपनिंग ड्यू टू इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर दैट इज रोका, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एटसेट्रा. ब्राजील इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स टूडे.
many endemic species are on the verge of getting extinct because of this issue. तो यहाँ पे क्या दिया है कि ब्राजील में है ना बहुत सारा डिग्रेडेशन हो रहा है. डिग्रेडेशन मतलब क्या, उसका जो अमाउंट है एनवायरमेंट का अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट का अमाउंट या फिर प्लांट्स का अमाउंट, एनिमल्स का अमाउंट, वो बहुत कम होते जा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है डिग्रेडेशन. तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इलीगल स्मगलिंग. स्मगलिंग मतलब क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को मार के उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को स्मगल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइगर या फिर लायन की स्किन जो होती है वो स्मगल की जाती है, या फिर एलिफेंट का जो टूथ होता है वो स्मगल किया जाता है. तो इसके वजह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है. प्लांट्स या फिर एग्रीकल्चर, उसमें क्या होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. अभी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, ब्राजील में उसको रोका भी बोला जाता है, तो रोका नाम याद रखो. इसमें क्या किया जाता है, जो भी लैंड होगी उसमें जो भी प्लांट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, पर्टिकुलर लैंड में जो भी प्लांट होंगे या फिर जो भी फॉरेस्ट होगा उसको काट के उसको जलाया जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स जलने के बाद है ना उनसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट होते हैं, और वो जब सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो बाद में एग्रीकल्चर को हेल्प करते हैं. तो इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा होता है. लेकिन हम लोग एग्रीकल्चर अच्छा करने के लिए क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे, पेड़ काट रहे, तो ये करना नहीं चाहिए. तो इसके लिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए, उसका जो अमाउंट है वो कम होना चाहिए. तो ब्राजील में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोका, वो प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पे अलग अलग प्लांट्स या फिर फॉरेस्ट को जलाया जाता है. उसके वजह से क्या होता है, पहले तो हमारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, और बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, ऐसे एग्रीकल्चर के वजह से जंगल में ना आग फैल जाती है, जिसको फॉरेस्ट फायर बोला जाता है. तो अमेजोन के फॉरेस्ट में बहुत बार ये फॉरेस्ट फायर फैल जाती है, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा एरिया जल जल के उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. उसके भी पिक्चर्स मैं आपको बताऊँगा. तो ये सब रीज़न जो है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, स्मगलिंग, इसके वजह से क्या होता है, जो भी स्पीशीज है एनिमल के या फिर प्लांट्स के, वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. एक्सटिंक्ट मतलब नंबर में बहुत कम होते जा रहे हैं. तो आप देख सकते हो कैसे फॉरेस्ट फायर फैली है. देखो यहाँ पे फायर दिखेगी आपको. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, बहुत बार पूरे फॉरेस्ट में फायर फैल जाते हैं, जिसको फॉरेस्ट फायर बोला जाता है. अगर आपने पिछले साल या फिर एक दो साल पहले रिसेंट न्यूज में चल रहा था कि अमेजोन में बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर लगी थी, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा अमेजोन फॉरेस्ट का नुकसान हुआ था, बायोलॉजिकली बहुत नुकसान हुआ था. ये भी आप देख सकते हो, इट इज अ पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट फायर. तो ऐसे रीजंस के वजह से ब्राजील में बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो स्पीशीज है वो कम होते जा रहे हैं. ओके, अब देख सकते हो कि स्लैश एंड बर्न में क्या होते जा रहा है. ये देखो, ये जो आधा पार्ट है फॉरेस्ट का, उसको काट के अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाएगा, या फिर कुछ बिल्डिंग्स वगैरह उनका उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा, या फिर उनको बिल्ड किया जाएगा, शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो भी डेवलपमेंट के काम है वो अगर आपको करने, तो आपको लैंड चाहिए. तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, और उसके बाद वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बिल्ड की जाती है या फिर एग्रीकल्चर किया जाता है. लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है, जो अमेजोन फॉरेस्ट है वो बहुत कम कम छोटा होते जा रहा है, और उसमें जो स्पीशीज है एनिमल के और प्लांट्स के, वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं. ये भी आप उसका पिक्चर देख सकते हो. सो डिग्रेडेशन पे अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको यही सब लिखना है कि डिफॉरेस्टेशन, इलीगल स्मगलिंग, पोल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये अलग अलग रीजंस आपको लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, और इससे आपको बताना है कि डिफॉरेस्टेशन के वजह से अलग अलग एनिमल्स एंड प्लांट्स के स्पीशीज जो है वो कम होते जा रहे हैं. देखो ये ब्राजील का मैप है, इसको ऑब्जर्व करो. ये मैप में कौन कौन से जो भी एनिमल हम लोग ने देखे वो कहाँ पे मिलते हैं वो हम लोग देखेंगे. ये देखो यहाँ पे कॉन्डस जो हम लोग ने देखा था, जो कि ये बर्ड का स्पीशीज था, वो यहाँ पे मिलता है अराउंड गुआना आइलैंड्स के पास, वो ज़्यादा मिलता है. फिर अमेजोन का जो फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मंकीज देखने को मिलेंगे, गिनिया पिग देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ मकाउस देखने को मिलेंगे, और एनाकोंडास या फिर स्नेक्स देखने को मिलेंगे. उसके बाद जो सवाना रीजन है, ग्रासलैंड, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप ऑफ पैरट्स देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप ऑफ पैरट्स के मार्किंग दिए है, राइट. उसके साथ साथ जो पंतानाल का एरिया है वहाँ पे आपको एनाकोंडास देखने को मिलेगा,
और क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो हम लोग ने देखा था वो भी वहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो पंपास या फिर जो पंपास के ऊपर का अटलांटिक फॉरेस्ट है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लेमिंगोस देखने को मिलेंगे। तो साउथ ऑफ द ब्राजील में हम लोग को फ्लेमिंगोस देखने को मिलते हैं, और अटलांटिक ओशियन में हम लोग ने देखा था कि हम लोग को स्वॉर्ड फिश देखने को मिलती है। अभी यहाँ पे अमेजोन रिवर में, ये जो अमेजोन रिवर जा रही है वहाँ पे पिंक डॉल्फिन और पिरानास भी देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया। तो ये मैप ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि कौन कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं।